और सिर्फ दो चीजों से बनेगी हमारी ये मुंह में घुल जाने वाली ठंडी ठंडी ऐसी मिठाई जिसके सामने केक और आइसक्रीम भी शर्माई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मदर्स डे स्पेशल झटपट बनने वाली सिर्फ दो चीजों से सुपर सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी एक ऐसी रेसिपी जिसमें मिले आपको केक आइसक्रीम और खरबस मिठाई का मजा। सबसे खास बात, इसे बनाने के लिए ना दूध मावा चाहिए ना कोई केक का सामान चाहिए और जो भी खाएगा इसके स्वाद का दीवाना हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को गुड पर्ल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुपर इजी, सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी ठंडी ठंडी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक नारियल। जी हाँ, आज की रेसिपी बनने वाली है नारियल से। आपको विश्वास नहीं होगा कि नारियल से आप इतनी टेस्टी मिठाई मिनटों में तैयार कर लेंगे, जिसको जो भी खाएगा वो इसका फैन हो जाएगा। बनाना तो इतना आसान, हम सभी जानते हैं नारियल के होते हैं बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स, मतलब आप बोल सकते हैं गुड़ों का खजाना है नारियल। बहुत सारा फाइबर होता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्ट करता है नारियल। पेट के लिए बहुत ठंडक देता है, गर्मियों की तो बेस्ट चीज है, और बोन्स के लिए और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है नारियल। तो ये रेसिपी तो जबरदस्त है। अब यहाँ देखिए, हमें नारियल को इस तरह से पूरा नहीं लेना है। यहाँ पर जो इसके ऊपर का आप ब्राउन पार्ट देख रहे हैं ना, इसकी स्किन को हम हटा देंगे। हमें सिर्फ सफेद सफेद पार्ट लेना है अपनी मिठाई के लिए। तो ये लीजिए, मैंने सारा नारियल का ऊपर का हिस्सा ब्राउन वाला हटा दिया, क्योंकि इस रेसिपी के लिए सिर्फ ये ऊपर वाला सफेद पार्ट ही चाहिए। अच्छा, जो ब्राउन पार्ट हमने हटाया है ना, उसको आप किसी भी ग्रेवी वगैरह में पीस कर यूज कर सकते हैं या चटनी भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने नारियल को तैयार कर लिया है छोटे पीसेस में। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारे नारियल के पीसेस हम डाल देंगे। अगर मैं कप से बोलूं तो 2 कप के करीब ये नारियल है, और इसी तरह एक बार मिक्सी को चलाकर थोड़ा सा चर्न कर लेंगे। ये देखिए, परफेक्ट। आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा दरदरा सा कर लिया है। मिठाई बनाना ये बहुत ही इजी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, गर्मियों की तो बहुत ही स्पेशल है। अब हमने लिया था 2 कप नारियल, तो इसमें हम डालेंगे 1.5 कप के करीब पानी। तो यह पानी हल्का सा गुनगुना लीजिए, मतलब हल्का सा वार्म वाटर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हम नारियल को पीसेंगे और उसका दूध बनाएंगे तो वो फटेगा नहीं। चलिए, तो इसको भी बिल्कुल बढ़िया से पीस लेते हैं। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट, आप देख सकते हैं नारियल का पेस्ट तैयार हो गया है इस तरीके का। अब हम लेंगे एक पैन और पैन पर लगाएंगे एक छलनी। छलनी लगाकर इस सारे नारियल के पेस्ट को छान लेंगे, मतलब हमें बेसिकली बोलो तो दूध निकालना है नारियल का। बहुत बहुत ही हेल्दी होता है कोकोनट मिल्क। अच्छा, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया दूध निकालने का। आजकल बाजार में रेडीमेड कोकोनट मिल्क के पैकेट्स भी मिलते हैं, अगर आपके पास समय ना हो तो आप वो रेडीमेड वाला कोकोनट मिल्क ला करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस मिठाई को। और इस तरह से एक चम्मच की मदद से पूरा प्रेस करते हुए सारे नारियल के दूध को निकाल लेंगे। जितना हो सकता है उतना अच्छे से प्रेस करके निकाल लीजिए। चाहे तो कोई मलमल का कपड़ा हो वो बिछा करके उसमें सारा आप ये मिक्स डालें और कस के निचोड़ दें, तो भी आपका काम बन जाएगा। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया हमारा नारियल का दूध यानी कोकोनट मिल्क है बिल्कुल रेडी। अगर मैं क्वांटिटी से बोलूं तो लगभग 500 ml के करीब ये हमें दूध मिल गया है। अब तो बस कुछ करना ही नहीं है। अब आप लीजिए 5 बड़े चम्मच चीनी, आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मेरा जो नारियल था वो काफी मीठा है, अगर कम आपको मीठा लगे तो आप 6 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इस मिठाई को परफेक्ट केक जैसा लुक देने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ कॉर्न फ्लावर, जिसे हम कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। तो ये हम डालेंगे 5 बड़े चम्मच। आज इस मिठाई को बनाने के लिए आपको कोई अगार-अगार, चाइना ग्रास, कोई अंडा, कोई अवन, कोई केक का सामान कुछ नहीं चाहिए। इतनी बढ़िया रेसिपी बन जाएगी जो मिठाई भी लगेगी और केक भी। तो यहाँ पर हम कॉर्नफ्लावर को डालेंगे और एक विस्कर या एक फोक से या फिर स्पून से इस तरह बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे। अभी गैस पर नहीं चढ़ाएंगे पैन को, पहले ये सारा काम कर लेंगे, इजी हो जाएगा। अब आप कहेंगे पारुल, अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर की सुविधा ना हो तो फिर आप यहाँ पर अरारोट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से करेंगे मिक्स, के कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए, एकदम स्मूथ हमारा मिल्क तैयार हो गया है। अब गैस को ऑन करेंगे, फ्लेम को कर देंगे लो। लो फ्लेम पर हम रखेंगे पैन को और लगातार चलाते हुए, चलाना जरूर है वरना लम्स पड़ जाएंगे, फिर मिठाई को प्रॉपर शेप देना मुश्किल हो जाएगा। तो लगातार बस चलाते जाएं, थोड़ी ही देर में 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे कि हमारा जो कोकोनट का ये मिल्क है एकदम गाढ़ा होने लगेगा। बहुत आसान है इस रेसिपी को बनाना, मदर्स डे के लिए स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप कुछ एक हेल्दी और एक बहुत ही टेस्टी डिश बना पाए। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो दूध है वो गाढ़ा होता जा रहा है। अच्छा, इस स्वीट डिश की खास बात यह है कि ये घर के बड़े तो बड़े, बच्चों को भी खूब पसंद आएगी, दिल से खाएंगे और इसके फैन हो जाएंगे। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल परफेक्ट हमारा मिठाई के लिए मिक्स है, बिल्कुल तैयार। ये देखिए,
जब मैं ऐसे गिरा रही हूँ तो ये रिबन की तरह गिर रहा है, ना बहुत ज्यादा पतला है ना बहुत ज्यादा गाढ़ा, ये देखिए। और जो पूरी स्पून है वो भी अच्छे से कोट हो रही है। बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। अब अपनी मिठाई को एक केक जैसा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है इस तरीके का कांच का बोल। आप इसे किसी में भी सेट कर सकते हैं। इसको पहले कर लेंगे ग्रीस बटर या घी से और सारा अपना कोकोनट मिक्स इसमें डाल देंगे और इस तरह से टैप करके इसको थोड़ा ऊपर से लेवल करेंगे। अब इसको पूरी तरह से यहाँ ठंडा होने देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इस तरह से बड़े एक बोल में, जैसे मैंने इसको अभी ट्रांसफर किया ना, आप इसे छोटे छोटे प्लास्टिक के कप्स हो या आपके पास स्टील की कटोरियां हो, किसी में भी आप इसे सेट कर सकते हैं और इसको छोटे बड़े लुक दे सकते हैं। अब इसको पहले पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और ठंडा हो जाने के बाद इसको लगभग 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, जिसे बढ़िया से सेट हो जाए, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में। और ये देखिए ठंडा हो जाने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया हमारी कोकोनट मिठाई सेट हुई है। देखिए ऊपर से मैं छू रही हूँ तो बिल्कुल गीली भी नहीं है, परफेक्ट और लुकिंग भी कितनी व्हाइट और कितनी बढ़िया आई है, मतलब देख के ही दिल को ठंडक मिल रही है इस गर्मी में। मैंने कोई भी फ्लेवर इस मिठाई में नहीं डाला था क्योंकि कोकोनट का अपना ही बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आप चाहें तो रोज एसेंस या इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो एक लेंगे प्लेट और उस पर इस तरह से बोल को उल्टा करके रख देंगे। कुछ भी आपको इसमें चम्मच चाकू कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही निकल आएगा। और ये देखिए एकदम बनी है ना हमारी स्पॉन्जी जेली जैसी मिठाई। अब आप अपने मन चाहे तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको डेकोरेट कर रही हूँ, देखिए इस तरह। ये मैंने लिया है थोड़ा सूखा वाला नारियल का बुरादा, इसको बस इस तरह ऊपर से डाल देंगे। आ गया ना एकदम जबरदस्त वाला लुक। ये ना हो आपके पास अगर मिल्क पाउडर हो ना तो आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर छलनी पर डालकर छिड़क दीजिएगा तो उससे भी बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। चलिए करते हैं कट। और ये देखिए मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर, ये देखिए वाओ, मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि ये कितनी तो सुंदर बनी है। चाहे तो आप इस तरह केसर और पिस्ता लगाकर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लुकिंग आ रही है, मतलब जो भी खाएगा ना वो हाथ नहीं रोक पाएगा, लगातार खाता ही जाएगा, ये इतनी टेस्टी बनती है। तो लीजिए हमारी झटपट बनने वाली नारियल की एकदम हेल्दी टेस्टी ठंडी ठंडी मिठाई है बिल्कुल तैयार। अब आप इसे कोकोनट पुडिंग बोलिए या कोकोनट डिलाइट या फिर कोकोनट खरबस रेसिपी भी बोल सकते हैं। और इस डेजर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही सस्ते में बन जाता है, बिल्कुल ज्यादा खर्चा नहीं है, ज्यादा सामान नहीं है। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ इस जबरदस्त टेस्टी ठंडे ठंडे कोकोनट डेजर्ट को। आप भी जरूर बनाएं, मुझे जरूर बताएं कैसी लगी आपको आज की ये बहुत ही इंस्टेंट वाले डेजर्ट की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।